हेलो दोस्तों, आशा की हूँ मैं आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम चल रहे हैं, देखिए ये सिरफल बेल जिसको बोलते हैं, ये छोटा वाला है। इसमें हम चल रहे हैं, गर्मी के मौसम में बेल आता है मार्केट में, तो हम चल रहे हैं आज इसका हम शरबत बनाने। तो देखिए पहले इसको हम धुल के रख लिए हैं, अब इसको पहले फोड़ेंगे, फोड़ के इसका गूदा निकालेंगे। तो चल रहे हैं फोड़ने। देखिए दोस्तों इसको हम फोड़ना है, देखिए फूट गया, देखिए ये देखिए कितना अच्छा ये निकल गया देखने में लग रहा। ये देखिए ये पूरा निकला है गूदा, इसको हम इस भगोने में ट्रांस रखेंगे। इस भगोने में हम रखते हैं, इसको भी फोड़ ले रहे हैं, ये एक दूसरे से ऐसे मारने पे ये फूट जा रहा है आराम से। देखिए ये वाला फूट गया, देखिए इसमें देखिए ये बीच में रेशे टच होते हैं, ये देखिए ये, तो ये बहुत फायदेमंद पाचन में ये बहुत हेल्प करता है। तो हम इसको निकाल ले रहे हैं, ये चम्मच से इसको हम अच्छे से खरोच लेंगे। देखिए कुछ भी इसमें बचा ना रह जाए, इसमें तो सारों को हम खरोचेंगे, ठीक है। फिर अब पूरा निकाल लेते हैं सभी का, तब हम दिखाते हैं। दो मैंने निकाल लिया, देखिए हमने तीन बेल जो है हमने ये निकाल लिया है। अब इसको हम मस लेंगे हाथ से, दोस्तों इसमें आप चाहे तो गुड़ डालिए या चीनी डालिए। हम जो हैं अभी इसको मसल के तब बताएंगे हम क्या डालते हैं। देखिए ये मसल लिए हैं, अब इसको दूसरे भगोने में ये चलनी है, इसी से हम चालेंगे। इसमें ऐसे डाल दिया, ऐसे ऐसे धीरे धीरे इसको निकाल डालेंगे। एक बार और इसको कर लीजिए, एक बार और इसमें डाल के थोड़ा सा हम और पानी में इसको, भगोना हमारा थोड़ा सा छोटा है इसलिए दिक्कत कर रहा है। मैं तो ये चलनी में भगोना जब हो जाता है ना, देखिए अब हो गया, इसको हटा देना है और फिर इसको हम दिखा रहे हैं। देखिए अब इसको हम और पानी डालेंगे, तो हम बर्फ़ डालेंगे, ठंडा पानी डालेंगे, तो हम दिखा रहे हैं इसमें थोड़ा ठंडा करके इसको। आइए देखिए दोस्तों, ये मेरे पास गीला गुड़ था, ये इसको भी हम इसमें डाल देंगे। कम मीठा होता है तो डाल लेने पर ये गुड़ नुकसान भी नहीं करता है, और इसको हम इसी में घोल के डाल देंगे। क्योंकि दोस्तों इससे स्वाद अच्छा हो जाता है। और ये दो नींबू है, इसको भी हम डाल लेंगे, तो इसी में डाल ले रहे हैं क्योंकि हम इसको छानेंगे तो बीज वगैरह सब छन जाएगी। देखिए इसको इसमें छान लेंगे,
देखिए दोस्तों, ये मेरा तैयार हो गया है बेल का शरबत। ये गर्मियों में पेट के लिए, लूई लगने, ये सब चीज़ों में काफ़ी ये फ़ायदा करता है। अब इसमें हम चलो चीनी या गुड़ आप मिलाएं या ना मिलाएं, लेकिन ये है कि हम मिला रहे हैं टेस्ट के हिसाब से। तो हम इसको चलना है थोड़ा निकालने और पीने और सबको देने। देखिए ये देखिए दोस्तों, ये आपका शरबत तैयार हो गया है और इसको पीजिए गर्मी के दिन में। घर पे ले आके बेल आप बनाइए और इसका आनंद उठाइए दोस्तों। ये बहुत स्वास्थ्य के लिए, सेहत के लिए, पेटों के लिए और गर्मी में ये बहुत फ़ायदा करता है। देखिए दोस्तों, अब हम इसे जा रहे हैं पीने। ये थोड़ा चला ले रहे हैं कि आइस जो है थोड़ी सी वो इसमें गल जाए, फिर ये ठंडा हो जाए। तो जब तक हम पी रहे हैं दोस्तों, इसको पीने जा रहे हैं, तब तक आप लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें दोस्तों। तो देखिए बहुत टेस्टी बना है दोस्तों, तो आप लोग बनाइए, इसी तरह से पीजिए और बेल के शरबत का आनंद उठाइए दोस्तों। तो दोस्तों, हम अगले रेसिपी में हम कुछ नया लेके आएंगे दोस्तों। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, नमस्कार दोस्तों।